अस्सलाम वालेकुम, माय यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल लाइफ पॉकेट सिक्स में आपको खुशामदीद। जैसे कि आपको मालूम है, पंजाब की स्पेशल ब्रांच में 18 से 40 साल तक की एज की वैकेंसियाँ जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन थी वो प्राइमरी से लेकर इंटर तक थी। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि सर हमारे पास जो है कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है, तो क्या हम बगैर एक्सपीरियंस और तजर्बे के अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरी इसी टॉपिक पर है कि इस पोस्ट के ऊपर आप बगैर तजर्बे के, बगैर एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल लाइफ पॉकेट सिक्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद। तो सबसे पहले मैं ये इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करता जाऊं कि ये जो पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं ये टेक्निकल कैडेट्स की वैकेंसीज हैं। तो इस पोस्ट के लिए अगर आपकी तालीम जो है प्राइमरी से लेकर इंटर तक है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि इन पोस्टों के लिए जो आपका एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, कि किन पोस्टों पर आप बगैर तजर्बे के अप्लाई कर सकते हैं और किन किन पोस्टों पर आप बगैर तजर्बे के अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो वैकेंसी अनाउंस हुई है स्पेशल ब्रांच पुलिस में वह है असिस्टेंट सुपरवाइजर की। इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन थी वो थी इंटर, यानी कि एफएससी इसके बराबर, इंटर के बराबर कोई भी होगा। तो इस तरह अगर आपकी इंटर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पोस्ट के लिए जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो होगा सर्टिफिकेट ऑफ बम डिस्पोजल और किसी जो ऑथेंटिक बोर्ड से किया हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। मुतलका फील्ड में जो है ये 2 साल का एक्सपीरियंस होना इसमें लाजमी है। तो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं, 2 साल का तजुर्बा और सर्टिफिकेट ऑफ बम डिस्पोजल, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई इस सूरत में नहीं कर सकते कि अगर आपका ये 2 साल का एक्सपीरियंस में नहीं है और क्वालिफिकेशन आपकी इंटर नहीं है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है ऑपरेटर की एक्सप्लोसिव डिटेक्शन। इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो सेकेंडरी स्कूल वाला सर्टिफिकेट होना लाजमी है आपके पास। तो यानी कि इस पोस्ट के लिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए जो आपका तजुर्बा है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टीवी मैकेनिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ऑथेंटिक बोर्ड से आपने किया हो। तो इस पोस्ट के लिए 6 मंथ का जो है आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन चीज़ों के अंदर जो मैंने आपसे शेयर किया है। तो इस तरह आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके मैट्रिक है ऑपरेटर के लिए। तो जो अगली वैकेंसी है तीसरी वो है असिस्टेंट कैनिन की। इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो मैट्रिक लाजमी होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए और एक्सपीरियंस जो है इस वैकेंसी के लिए तो 7 साल का तजुर्बा होना चाहिए आपका कैनिन हैंडलिंग में। तो आप इस पोस्ट के लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं। अगली चौथी पोस्ट है कैनिन हैंडलर की। इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो प्राइमरी होनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए जो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वो कैनिन हैंडलर का होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये तजुर्बा है तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो तमाम दोस्त ये याद रखिएगा कि स्पेशल ब्रांच पुलिस में जो है कैनिन हैंडलर, मैकेनिकल और इस तरह की जो वैकेंसी आई हैं, सब दोस्त ये याद रखिएगा कि जो पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में वैकेंसी आई हैं मैकेनिकल और टेक्निकल वैकेंसियाँ आई हैं, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वैकेंसीज हैं। तो ये जो मैंने इन पोस्टों के लिए आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है तो अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिर्फ ये नहीं है, अगर आपके पास मैट्रिक की और इंटर की जो डिग्रीज हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं नहीं, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास ये इन चीज़ों का तजुर्बा भी होना चाहिए, कैनन हैंडलर का और जो हैंडलिंग का दूसरा का है वो भी होना चाहिए जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं होंगे, अगर आपने मैट्रिक इंटर की डिग्री लगा दी है, सर्टिफिकेट लगा दिया है, लेकिन जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो आपके पास नहीं और आपने साथ अटैच नहीं किया तो आपके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो तमाम दोस्त याद रखिएगा, हमारी ये कोशिश होती है कि आप तक तमाम सही मालूम पहुँचाइए ताकि अप्लाई करने के लिए आपको कोई दुश्वारी किसी किस्म की ना पेश आए। अगर आपके पास तजुर्बा है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज जो है इन पोस्टों में अप्लाई ना करें। इस तरह आपका सिर्फ पैसा ही ज़ाया होगा और अदरवाइज फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो लिहाजा हमारी ऐसी तमाम अच्छी वीडियोज़ और जॉब से मुतल वीडियोज़ आगा रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।